न्यू प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट का नाम है एक्मे एवेन्यू, कोड नेम गोल्डन डोम, और एक्मे ग्रुप बिल्डर हैं ये जो डेवलप कर रहे हैं कांदिवली वेस्ट में। दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल के इस प्रोजेक्ट के बारे में। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आज जो मैं न्यू प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा ये कितने माले की बिल्डिंग है, कितने विंग की सोसाइटी है, कहाँ लोकेटेड है, क्या आसपास की कनेक्टिविटी है, क्या आसपास की फैसिलिटीज़ है, और मैंने जो भी 10 से 15 सालों के एक्सपीरियंस में रियल एस्टेट फील्ड में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस का एक एक इन्वेस्टमेंट टिप्स में हर एक वीडियो में शेयर करता हूं। आज मैं इस वीडियो में एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स भी शेयर करूंगा, उसके बाद किस टाइप की सर्विसेज होती है हमारी जिसके जरिए मैं कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट करवाता हूं। कभी कभी तो हमारे पास जो डिस्काउंट की प्रॉपर्टी आती है, ऑप्शन की प्रॉपर्टी, तो 30-40% पे आती है। इसके जरिए हमारे कस्टमर्स को, हमारे व्यूअर्स को जो मैं बेनिफिट करवाता हूँ वो भी सर्विसेज की बात करूँगा, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा। दोस्तों आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या डिटेल है, क्या बन रहा है, कितने विंग की सोसाइटी है, क्या साइज है, क्या प्राइस है। फ्रेंड्स, ये मेन रोड है पारवेकर नगर कांदिवली वेस्ट का, जिस रोड पे ये एक्मे एवेन्यू प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये इसका मेन एंट्रेंस है मेन रोड से, और सामने आप देख रहे हैं रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन, दोनों टाइप में प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें अभी हम जाएंगे अंदर की ओर, देखेंगे ये बाहर का ओपन स्पेस है एंट्रेंस से पहले का, अभी हम उसका एंट्रेंस देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 2 BHK और 3 BHK की प्रॉपर्टी किस टाइप का है। इसमें मैं बाहर से आपको ओपन स्पेस पूरा कैमरा घुमा के दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। अब हम देखते हैं इसका 2 BHK का क्या पैटर्न है कि किस तरह का ये बना रहे हैं। आप पहले वीडियो में देख के क्लियर हो जाएं, उसके बाद फिर हमें फ़ोन करें, हम आपको प्रॉपर्टी खरीदवाने में पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों ये इसका 2 BHK का प्रॉपर्टी है जो मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लिविंग डाइनिंग एरिया है, लिविंग डाइनिंग एरिया से जैसे आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे किचन मिल जाता है, जिसमें एल शेप में इसमें प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और प्रॉपर वास्तु को ध्यान में रख के इन्होंने डेवलप किया है, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाया है। आप देखें तो किचन काफ़ी स्पेशियस है इसका, और सामने बाहर की ओर एक छज्जा भी दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें ग्रिल लगाया हुआ है। अभी हम किचन के बाहर चलते हैं और सामने ही एक बेडरूम दिया हुआ है, ये बेडरूम देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है, यानी बिना वॉशरूम वाला बेडरूम है। यहाँ से व्यू दोस्तों आपको बहुत खूबसूरत मिल जाता है, पीछे का पूरा ओपन व्यू खाड़ी के साइड का मिल जाता है आपको, पूरा क्रिक व्यू आपको मिलता है। यहाँ से अब हम चलेंगे कॉमन वॉशरूम और मास्टर बेडरूम देखते हैं इसका। ये आप देखें तो ये सामने ही इसका कॉमन वॉशरूम है लेफ्ट हैंड साइड पे। आप पूरी अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, ये वीडियो को रिपीट करके देख लें अगर एक बार में समझ ना आता हो, उसके बाद आप हमें फ़ोन करें, हम आपको प्रॉपर्टी हेल्प करेंगे परचेस करवाने में। दोस्तों कॉमन वॉशरूम के बाहर एक यूटिलिटी एरिया भी दिया हुआ है जहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर बेडरूम किस टाइप का है इनका। मास्टर बेडरूम में कुछ वुडन फ्लोरिंग लगा हुआ है ब्राउन कलर का, और सामने ही मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। स्पेस भी देखें तो काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया हुआ है। मैं कैमरे को नॉर्मल रख के शूट करता हूँ,
बिकॉज उसमें प्रॉपर समझ में आता है, जब एक्स्ट्रा आप जूम कर देते हैं तो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बड़ी दिखती है, एक अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि प्रॉपर स्पेस कितना है। ये नॉर्मल मोड पे कैमरा मैंने रखा है ताकि आप एक्चुअल इसकी लेंथ को पहचान सकें। इसमें भी एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के बाहर, यहाँ पे भी आप कुछ स्टोरेज वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, बाकी तो बहुत नाप तोल के बिल्डर बनाते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम था। अब हम नीचे देखेंगे कि क्या स्पेस है, पहले इसके बाद मैं आपको 3 BHK दिखाता हूँ कि 3 BHK इसका किस टाइप का है। ये सब देखने के बाद दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि आपको घर बैठे एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी है ये और कैसा आपके क्राइटेरिया में आपके पसंद का है कि नहीं। उसके बाद आपको आने जाने का दौड़ने भागने का टाइम बच जाता है, आपके ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता है, वैसे भी ट्रैफिक तो आप जानते हैं मुंबई में कितना है, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये पूरा इसका पैसेज एरिया है। आप पूरी अच्छी तरह से वीडियो को समझने के बाद, फ्लैट का पैटर्न देखने के बाद, पसंद करने के बाद आप आएँ, हमें फ़ोन करें आप ऊपर दिए हुए नंबर पर, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे प्रॉपर्टी दिलाने में। ये इसका देखें तो 4 ट्राइंगल में बना हुआ है इसका पूरा पैसेज और सामने सामने दो दो फ्लैट दिया हुआ है। हर जगह फायर ब्रिगेड का पाइप भी बिल्डर ने लगा के दिया है। अभी तो फायर ब्रिगेड का पाइप कंपलसरी हो गया है बिकॉज उसके बगैर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता नहीं है बिल्डर्स को। अभी मैं आपको 3 BHK की प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ कि 3 BHK की प्रॉपर्टी किस टाइप का है। ये मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाऊंगा बिकॉज़ काफ़ी टाइम चला जाता है वीडियो में। वैसे तो अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करना हो तो लोग पूरा वीडियो देखते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा फास्ट दिखाऊंगा ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी। ये सर्विस प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, दो टाइप का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। इसमें भी छज्जा दिया हुआ है एक्स्ट्रा। ये ग्रिल तोड़ के बाद में OC आने के बाद आप कुछ चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। काफ़ी सारे लोग कर डालते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्पेस है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन BMC छज्जा यूज़ करने का परमिशन नहीं देती है, फिर भी लोग उसको यूज़ करते ही हैं क्योंकि बाहर वो एक्स्ट्रा वेस्टेज रहता है। अभी हम देखते हैं इसका लिविंग डाइनिंग एरिया कैसा है। आप देखें तो लिविंग डाइनिंग एरिया इसका काफ़ी बड़ा और स्पेसियस है। एक अच्छा प्रॉपर L शेप में हॉल बनाया हुआ है इन्होंने। लिविंग डाइनिंग के बाहर भी एक देखें तो बड़ा सा छज्जा दिया हुआ है। इसमें भी सेम सिस्टम है, आप बाद में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद। फिलहाल तो बिल्डर को ये परमिशन नहीं है कि वो आपको ओपन छज्जा यूज़ करने का परमिशन दें। मैं आपको विंडो के साइड से डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से आप जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंटीरियर कर सकते हैं। ये वॉश बेसिन का जगह इन्होंने कॉर्नर पर दिया है, फिर कॉमन वॉशरूम है ये। इसके बाहर भी एक यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है जो काफ़ी बड़ा और स्पेसियस है। यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ चाहें तो रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जगह को यूज़ कर सकते हैं आप। अभी हम सामने देखेंगे कि इसका 3 बेडरूम कैसा है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है जो हम देखने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम है। और यहाँ से देखें तो मैं हायर फ्लोर से व्यू ले रहा हूँ और कितना ही हिप्नोटिक व्यू है ये। और कॉमन बेडरूम का भी स्पेस काफ़ी बढ़िया और बड़ा दिया हुआ है। ये मैं नॉर्मल मोड में कैमरा से आपको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत हाई जूम नहीं किया हुआ है। ये इसका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। वैसे फाइनल करने के लिए एक बार देखना तो आपको आना ही पड़ेगा कि फ्लैट किस टाइप का है एग्जैक्टली।
क्योंकि प्रॉपर्टी आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, प्रॉपर्टी में इतना बड़ा अमाउंट जाता है, तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार लोग आके देखते हैं, क्लियर होते हैं माइंडसेट, तब जाके उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम वगैरह हमने देखा, अब हम देखते हैं और बाकी के दो बेडरूम कैसे हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले दोस्तों आपको अच्छी तरह देखना जानना भी चाहिए, बिकॉज़ इसमें एक पूरे जीवन भर की कमाई लग जाती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब हम इसका दूसरा कॉमन बेडरूम देखते हैं कि किस टाइप का है। एक बार से अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो दो बार, तीन बार, जितनी बार, जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाएं, तब तक आप प्रॉपर्टी देखें, सर्वे करें, समझें, उसका टाइटल चेक करें, उसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। ये हमने अभी कॉमन बेडरूम देखा, इसके बाद थर्ड इसका मास्टर बेडरूम रहेगा, क्योंकि जनरली 3 BHK का पैटर्न ऐसा ही रहता है, दो मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम रहता है, एक लिविंग डाइनिंग एरिया और एक कॉमन वॉशरूम रहता है, जो गेस्ट के लिए बोल सकते हैं या कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं, जनरली इसको गेस्ट वॉशरूम भी बोलते हैं। ये दूसरा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है। इसमें एक्स्ट्रा यूटिलिटी एरिया नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसका एलिवेशन में बैठा नहीं। पूरा बेडरूम का साइज देखें तो आप बहुत बढ़िया दिया हुआ है इसका। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं। ये क्रिक व्यू आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू मिल जाता है और एक तरफ से पूरा आपको सिटी का व्यू आता है। 3 BHK का जो इन्होंने स्पेस दिया है दोस्तों, ये लगभग 1055 स्क्वायर फुट का काफ़ी बड़ा एक स्पेस दिया हुआ है और स्पेस के हिसाब से प्राइस देखें तो इसका बहुत अच्छा है। अभी मैं प्रोजेक्ट दिखाने के बाद आपसे प्राइजिंग, साइजिंग सब कुछ बात करूँगा मैं इसमें। इसमें सिर्फ 2 और 3 दो टाइप की प्रॉपर्टी है, 2 BHK और 3 BHK। ये इसका 3 BHK का जो विंग्स है उसका ये पैसेज है, इसका स्टेयरकेस है। इसके बाद नीचे का स्पेस दिखाऊंगा मैं। ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, आप हमें फ़ोन करें प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए और परचेस करें हमारे थ्रू। जितना बेस्ट प्राइस हो पाएगा मैं आपको बिल्डर से करवा के दूंगा, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट में हम लोग 50-50, 100-100 फ्लैट बेचते हैं। आप एक फ्लैट लेने जाते हैं, हम लोग 50-50, 100-100 फ्लैट बेचते हैं, तो प्राइजिंग में आपका और हमारा कभी कंपेयर नहीं होता। और पहली बात तो आपको पता भी नहीं होता कि वहाँ बॉटम रेट क्या चल रहा है, यानी लोवेस्ट प्राइज, फाइनल प्राइज बिल्डर का क्या है। जो प्राइस बिल्डर कोट करते हैं उसी प्राइस को आप सच मानते हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं और ले लेते हैं। ये इसका रैंप है पार्किंग में आने के लिए, बट आपको बॉटम प्राइस यानी लोवेस्ट फाइनल प्राइस आपको पता नहीं होता है। जो हमें पता होता है, हमने कई बार देखा है कि डायरेक्ट जाने के बाद आपको बिल्डर के साथ, कोई भी बिल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर बिल्डर का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो ऑनलाइन वीडियो में अनाउंसमेंट में नहीं कर सकता बिल्डर का नाम, बट रियलिटी दोस्तों ये है कि आपको एक्चुअल प्राइस पता नहीं होता है। कभी कभी आप 10-10, 20-20 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में। तो बेहतर है कि आप किसी चैनल पार्टनर या फिर ब्रोकर को साथ में लेके जाएं जिनको प्रॉपर प्राइजिंग का पता हो। प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं, ये तो प्रोजेक्ट का वीडियो था,
कि प्रोजेक्ट इसका इस तरह है, 40 माले का बिल्डिंग है ये, और फोर्थ लेवल इसका पोडियम पार्किंग है और एमिनिटीज है। इसमें फिफ्थ लेवल से रेसिडेंशियल फ्लैट बना हुआ है, यानी पांचवें माले से इसका रेसिडेंशियल फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। 36 लेवल इसका फ्लैट के लिए यानी रेसिडेंशियल यूज है। हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 5 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। रेरा नंबर इसका P518-00007088। ये इसका रेरा नंबर है। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट के रेरा के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं लैंड पार्सल कितना है, साइज कितना है, कब इसका पोजीशन है। सारा कुछ डिटेल आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाता है। वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी कुछ क्लियरिटी आपको मिल जाता है। रेरा में पोजीशन इसका December 2024 है, बट बिल्डर आपको December 2023 में ही बना के दे देंगे। इसमें रेडी टू मूव है और जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है ये। आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, यहाँ तक कि SBI, एक्सिस, LIC, HDFC, ये सब जो ब्रांडेड बैंक हैं ये सब आपको लोन देते हैं। जब SBI आपको फाइनेंस करती है तो आप इनडायरेक्टली ये समझ जाएं कि SBI फाइनेंस कर रही है, तो आपको पूरा टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है। इन्वेंट्री की बात करूँ, इसमें 2 BHK और 3 BHK है। 2 BHK के प्राइजिंग और साइजिंग की बात करूँ दोस्तों, कारपेट एरिया जो सबसे छोटा 2 BHK है उसका कारपेट एरिया 518 स्क्वायर फुट यानी 518 स्क्वायर फुट इसका कारपेट एरिया है, जिसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1,20,00,000 रुपया है यानी 1.20 CR है। आप देखें तो ये प्राइस में उस एरिया में प्रॉपर्टी 2 BHK अवेलेबल नहीं है दोस्तों। अगर देखा जाए तो कई प्रोजेक्ट हमारा सर्वे है कि ये प्राइजिंग में नहीं है। बहुत ही बढ़िया प्राइज ये लोग दे रहे हैं। और इससे बड़ा जो 2 BHK है उसका कारपेट एरिया 696 स्क्वायर फुट है, यानी 696 स्क्वायर फुट है, जिसका प्राइस ऑल इंक्लूसिव 1.61 CR यानी 1,61,00,000 रुपया है। ये मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइस की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको फ्लैट कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, जो भी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी, GST, सोसाइटी चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, सब कुछ आ जाता है। अब इसमें 3 BHK की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बढ़िया स्पेसियस है। कारपेट एरिया उसका 1,055 स्क्वायर फुट है यानी 1,055 स्क्वायर फुट का है, जिसमें ऑल इंक्लूसिव प्राइस 2.46 CR है, 2,46,00,000 रुपया पार्किंग के साथ है। एक्स्ट्रा पार्किंग अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका प्राइजिंग आपको अलग से पे करना पड़ेगा दोस्तों। एमिनिटीज़ इसमें स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक, स्पा एंड सोना, सीनियर सिटीजन जोन, मल्टीपर्पज़ कोर्ट, नेट क्रिकेट और वीडियो डोर फोन, ये इसके एमिनिटीज़ हैं। अभी रेडी नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। यह आप जब फाइनली पोजिशन होगा तो ये सब एमिनिटीज़ के साथ आपको दिया जाएगा। इसमें कनेक्टिविटी की बात करूँ, 5 मिनट के अंदर आपको लिंक रोड, अपना बाजार, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल, अथर्वा कॉलेज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, ऑस्कर हॉस्पिटल, BMC हॉस्पिटल, वेजिटेबल मार्केट, महेश लंच होम, फियोनिक्स हॉस्पिटल, विठल टेंपल, जलाराम मंदिर, एक 15 से 20 मिनट के अंदर आप कांदिवली रेलवे स्टेशन, बोरीवली ईस्ट, रक्षा हॉस्पिटल, नटराज मार्केट, लिबर्टी गार्डन, रयान इंटरनेशनल स्कूल, डॉन बॉस्को हाई स्कूल, रिद्धि विनायक क्रिटिकेयर हॉस्पिटल, रघुलीला मॉल, मयूर सिनेमा, सिनेमैक्स थिएटर, PVR मिलाप सिनेमैक्स, इन्फिनिटी मॉल, माइन स्पेस, IT हब, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मड मारवे बीच, अक्सा बीच, डी मार्ट, बिग बाजार, ग्रोवल्स मॉल, इनोरवीट मॉल, ओबेराय मॉल, ये सब भी आप मुश्किल से 20 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं दोस्तों। 1 घंटे के अंदर कुछ जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेस हैं, जैसे नेशनल पार्क, जुहू बीच, बैंड्रा फैशन स्ट्रीट, बैंड्रा वर्ली सी लिंक, मदर मेरी चर्च, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, ये सब भी आप 1 घंटे के अंदर यहाँ से रीच कर जाते हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर। मुंबई के कुछ नामचीन जगह का बात बताऊँ, जैसे गोराई, ग्लोबल विपासना पेगोडा, SL वर्ल्ड, वाटर किंगडम, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, लेमिंटन मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया, कोलाबा बैंडाकुला कॉम्प्लेक्स, पवई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वर्सोवा बीच, जुहू बीच, ये सब कुछ जो आसपास की मुंबई के जो फेमस चीज़ें हैं ये सब भी आप रीच कर जाते हैं। रीसेल की प्रॉपर्टी भी हमारे पास इसमें इन्वेस्टर फ्लैट्स हैं जो कुछ रीजनेबल प्राइस में भी हैं। उसके लिए आप हमें कॉल करें अगर आपको उस प्राइस में, उस टाइप की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो तो। साथ ही साथ आपको अगर सेल भी करना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें दोस्तों। बिल्डर के साथ एज ए CP हमारी एक अलग टीम है जो काम करती है, और रीसेल के लिए एज ए डीलर, एज ए स्टेट एजेंट जो हमारी टीम है वो अलग काम करती है। बिल्डर के लिए हमारी टीम जो काम करती है वो अलग से उसका पैटर्न है, और
रीसेल के लिए जो एज एजेंट हम लोग काम करते हैं वो हमारी टीम अलग से है, तो दोनों में हम आपको हेल्प करेंगे। आज का मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करूं दोस्तों, तो है बहुत सरल लेकिन बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते। दोस्तों मैंने देखा है कि जब भी आप कोई भी रीसेल की डील करें या फिर न्यू प्रोजेक्ट में बिल्डर से डील करें, तो दोस्ती यारी में कभी भी कोई भी पेमेंट ना दें। और कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, वो चाहे छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन हो या बड़े से बड़ा ट्रांजेक्शन हो, छोटा ट्रांजेक्शन भी दोस्तों प्रॉपर्टी फील्ड में लाख दो लाख पाँच लाख के नीचे छोटा ट्रांजेक्शन होता नहीं है। हमेशा 1 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, करोड़ रुपये में ही ट्रांजेक्शन होता है। तो कभी भी ट्रस्ट पे ना जाएं, आप लीगल पेपर वर्क जरूर करें दोस्तों। मेरा हाल ही में 2-3 एक्सपीरियंस बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने दोस्ती यारी में रिश्तेदारी में पेपर वर्क नहीं किया, उन्होंने लाखों रुपए दे दिया और बाद में वो कस्टमर एक दूसरे के रिलेशन में होते हुए भी वो घूम गया और उनका पैसा अभी तक स्टक हुआ पड़ा है, आगे वो प्रॉपर्टी ले भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों कभी भी आप प्रॉपर्टी में जो खरीद बिक्री करते समय जब भी ट्रांजेक्शन करें, तो एटलीस्ट अगर आप लाखों में ट्रांजेक्शन करें तो 500 रुपये का स्टाम्प पेपर है, 500 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे ज़रूर आप उसका लिखा पढ़ी कर लें, एटलीस्ट सब कुछ बना लें, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन उसमें डाल लें। अगर आप दे रहे हैं कितने दिनों में डील क्लोज होना चाहिए, कितना क्या टर्म्स में होना चाहिए, अगर कुछ बायर या सेलर साइड से इशू होता है तो वो कितने दिनों तक कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ऐसे सारे टर्म्स आप उसमें डाल दें दोस्तों। टर्म्स डालने के बाद क्या होता है ना कि आप पूरी के पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी फील्ड में कोई 25-50 रुपया या 100-200-500 रुपये की गेम नहीं होता, सीधा यहाँ लाखों करोड़ों और अरबों में गेम होता है दोस्तों। मेरा कई एक्सपीरियंस ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अपने व्यूअर्स को ये अवेयर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन करें तो ट्रांजेक्शन करने से पहले आप ज़रूर एक्नॉलेजमेंट करवा लें, चाहे वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर हो, 500 रुपये का स्टाम्प पेपर हो। अगर आप बिल्डर से डील करते हैं तो बिल्डर के अकाउंट में जैसे ट्रांजेक्शन होता है आप उसका रिसिप्ट ले लें, रिसिप्ट लेने से आपका एक्नॉलेज हो जाता है कि आपने इतना पेमेंट उसको दिया है। रीसेल की डील है तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा लें या फिर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग पेपर जो होता है MOU वो साइन करवा लें, ताकि आपका पैसा पूरा का पूरा सेफ हो जाए। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने 10 से 12 सालों के एक्सपीरियंस में, बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं, कुछ फैमिली में अटके हुए हैं, कुछ दोस्तों में अटके हुए हैं, कुछ ब्रोकर के पास अटका हुआ है, तो कुछ बिल्डर के पास अटका हुआ है। और भी मैं इस पेमेंट के बारे में, रजिस्ट्रेशन और पोजीशन के बारे में डिटेल बात करूंगा, फिलहाल तो आप ये याद रखें कि कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो उसका एक्नॉलेजमेंट जरूर लें दोस्तों। ये तो हमारे इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात है। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं इन्वेस्टमेंट टिप्स शेयर करता हूँ जो भी हमने जीवन में सीखा है। आप हमारा हर एक वीडियो को देखें, उसमें आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अवेयरनेस होनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों के लिए दोस्तों, क्योंकि दोनों में ही एक तरफ प्रॉपर्टी का रिस्क रहता है और एक तरफ पैसों का रिस्क रहता है। फ्रेंड्स आइए अब हमारी सर्विसेज की बात करते हैं दोस्तों, कि क्या क्या सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को फायदा करवाते हैं। हमारी सर्विसेज की बात करूं दोस्तों, तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो होती है हमेशा 30-40% डिस्काउंट पे आती है हमारे पास, जो बैंक जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करती है, नीलाम करती है। वैसे भी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मैं हमेशा अपने चैनल पे डालता रहता हूं। आप जिस तरह इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों लोग हमारे इस वीडियो को हर महीने हर दिन देखते हैं, और उनके पास जब कोई अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तो वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं, विकास जी हमें सेल करना है, और देखता हूँ 10-10, 20-20 लाख रुपए डिस्काउंट पर रहता है नॉर्मल मार्केट के प्राइस से। न्यू लॉन्चिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जो लॉन्च करते हैं, तो लॉन्चिंग के टाइम पर अच्छा खासा उनका प्राइस डिस्काउंट रहता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज डिस्काउंट रहता है, तो कभी PLC डिस्काउंट रहता है। इस टाइप की जो फायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी हो या बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी हो, या मैं हमेशा अपने चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं ऐसे कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी अपलोड करूँ अपने चैनल पे, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहें तो सबसे पहले आप खरीदें, उसका बेनिफिट लें दोस्तों। अगर आप यूट्यूब से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 807
7080709। अब इन दोनों नंबर पे आपके व्हाट्सएप नंबर से आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट और किस टाइप का आपका प्रॉपर्टी चाहिए वो एक ब्रीफ में लिख के भेज दें। जैसे हमारे पास ऐसी आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से 1-to-1 शेयर कर दूंगा, आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे। दोस्तों ये हमारी सर्विसेज की बात करें, दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, अगर उन्हें भी प्रॉपर्टी परचेस करना हो तो पूरे ऑल ओवर मुंबई में हम लोग काम कर रहे हैं अलग अलग प्रॉपर्टी में, वो भी हमें फ़ोन करें, हम उनको पूरी मदद करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेके टिल पोजीशन दिलाने तक। अगर कुछ भी रहेगा डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, बुकिंग रिलेटेड कोई भी काम रहेगा तो मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे उनको प्रॉपर्टी दिलाने में। दोस्तों फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, दोस्तों फिर से आऊँगा नए प्रॉपर्टी के साथ, नए लॉन्चिंग प्रॉपर्टी, फायदे वाली प्रॉपर्टी, ऑक्शन की प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को इतना सारा सपोर्ट, इतना सारा सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।